अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है, कोई मीडिया ये नहीं बताता। हाँ, अकबर ओवैसी घड़ी देख ले तो बताएगा। मीडिया में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयानों की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन इनके काम की कोई चर्चा नहीं करता। ओवैसी साहब के 10 स्कूल है जिनमें 25,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं, हॉस्पिटल से और भी बहुत कुछ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबको पता होना जरूरी है। जज्बाती अंदाज की तहरीर तो मैं कर सकता हूं, दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है, लेकिन मैं आज वैसे खिताब से परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि फिर आके जज्बाती बात करके चला गया। अकबरुद्दीन ओवैसी जिससे लोग नफरत भी करते हैं और मेरे अपने भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये अकबर ओवैसी संजीदा नहीं है, ये जज्बाती है, ये कौम को कटाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, होशमंदों ने काम कैसा किया और ये जज्बाती ने काम किया? आज मेरे 10 स्कूल हैं, 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा हूं। किसके पैसों से? गवर्नमेंट के, बंजलिस के? नहीं, मेरे जेब से। आपको मालूम, आओ कभी मेरा स्कूल देखो, एक 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, एक स्कूल 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 25,000 बच्चे। ये तो स्कूल में फ्री, 2.5 लाख खवातीन को वोकेशनल की ट्रेनिंग दी है, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती मेकिंग, ऐसे 22 कोर्सेस हैं हमारे पास। आपको सुन के हैरत होगी, यकीन नहीं करेंगे। अब दिन में स्कूल 3 बजे खत्म होता, 5 बजे से 10th की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, डिग्री की ट्यूशन, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग फ्री, नीट की ट्रेनिंग फ्री, लॉ सेट की ट्रेनिंग फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री, कैरियर गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट का सेंटर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, सरकारी मुलाजमत देते हैं, इंश्योरेंस की अगर आते हैं वो देते हैं। अब हाली आरसे में बैंकिंग का रिक्रूटमेंट का इश्तेहार आया, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे पास है। ये मैं करा रहा हूं, ये मैं 1 करोड़ रुपया तनख्वाह महाना देता हूं अपनी जेब से। मैं जज्बाती हूं, मैं जज्बात में बहाता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे आपने जिनको पसंद किया क्या उन्होंने ऐसा काम किया? आपने जिनको होशमंद समझा क्या उन्होंने किया? और फिर हर साल यहां दाढ़ी वाले टोपी वाले भाइयों को देखकर मुझे याद आया, हर साल 250 हाफिज भी हमारे स्कूलों से निकलते हैं। और आपको मालूम, हमारे स्कूल में 750 यतीम बच्चे हैं और 350 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां का इंतकाल हो गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब 1,000 ऐसे बच्चे जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यतीम खाना बन रहा है, उसमें उनको रखूंगा, उसमें उनको पालूंगा, उसमें उनको खिलाऊंगा। कौमो मिल्लत का दर्द रखने वाले इस मर्दे मुजाहिद को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।